सर, भारत के सभी बुद्धिस्ट संगठन है वो एक कैसे हो उसके लिए वन नेशन वन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ कर सकते हैं हम, उसके लिए कुछ आइडियाज चाहिए आपका, और हमारे सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जोड़ सकते हैं उसका भी मार्गदर्शन कीजिए। चावड़ा सर। हाँ जी सर। आप में कितनी हिम्मत है और कितनी इच्छा है इन्हें सभी धम के लोगों को इकट्ठा करने की, ये बताएं आप। सर माय एज इज ओनली 35 बट मेरा प्रयत्न पूरा रहेगा जितना बाबा साहेब ने कहा के रहने वाले ने किया है। मैं सर गुजरात कच्छ, मैं गुजरात कच्छ भूज से हूँ। बाबा साहेब और काशीराम जी ने जितना किया और कितने सारे लोग मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ हाँ सर, आपका आपका उद्देश्य बिल्कुल वही है जो समर संघ का उद्देश्य है। जी जी सर, समर संघ भी चाहता है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, एक जी के चंदा जाए, सभी धर्म के लोग इकट्ठे हो जाएं, सभी राजनीति के लोग इकट्ठे हो जाएं, सभी सामाजिक संगठन एक हो जाएं, एक जी के जाए। और इसलिए समर संघ ने कहा है कि भाई जब तक ये इकट्ठे नहीं होते हैं इनको कोई चंदा मत दो, चंदा इनका धंधा हो गया है, चंदा नहीं दोगे तो ये इकट्ठे हो जाएंगे और जब इकट्ठे हो जाए तो चंदा दे देना, पर जब तक इकट्ठे नहीं होते हैं तब तक चंदा ना दें, बंद करें और बंद करवाएं। काफी लोगों ने बंद कर दिया है, बंद करवा भी रहे हैं, पर भिक्कुओं को इकट्ठा करने के लिए भिक्कुओं ने खुद मना कर दिया। मेरी बहुत भिक्कुओं से बात हुई है, मैंने उनसे कहा भाई आप इकट्ठा करो, हम तो भिक्कू है नहीं, हम कैसे कहें। तो जब बुद्ध के अनुयायी ही बुद्ध के संघ को नहीं समझे और वो एक संघ में नहीं रहते हैं तो उस समय बुद्ध के जो हमारे जैसे साधारण लोग हैं जो समझते हैं बुद्ध को, उनकी ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इन सबको एक करने के लिए इनसे दो काम किए जाए। एक तो इनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया जाए कि आप इकट्ठे हो जाओ और एक ही जगह सारा काम करो, और दूसरा इनका वो काम बंद कर दिया जाए जिससे ये जीवित रहते हैं। तो उनका जीवित रहने का जो तरीका है वो है उनका खाना पानी यानी उनका पैसा। उनका पैसा आप बंद कर दोगे तो जो लोग पैसे के लिए आए वो तो छोड़ के भाग जाएंगे, पर जो सच्चे लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप उनको पैसा बंद करने का लोगों से आह्वान कर सकते हो, समर संघ में दिन रात काम कर सकते हो, तो आपको इस रास्ते पे गालियां मिलेंगी, आपको इस रास्ते पे धमकियां मिलेंगी, आपको सारे लोग ये कहेंगे ये आदमी पागल है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये जिन जहां ये काम करता है वो जगह ठीक नहीं है, देखो पैसे रुकवा रहे हैं, आपको विद्रोही कहेंगे, आपको दूसरे कहेंगे। अगर ये सब झेलने की आप में क्षमता है और आपकी इच्छा बड़ी है तो सिर्फ दो काम करने हैं। एक, उनसे बार बार निवेदन करना है हर तरह से, चाहे फेसबुक है, चाहे फोन है, चाहे मीटिंग है या कुछ भी है, कि भाई आप एक हो जाओ, पैसा देंगे जब, इकट्ठे होके आओगे तब। और जो धमके लोग हैं उनको कहना है कि भाई तुम कैसे धमके लोग हो, अगर भगवान बुद्ध के तुम एक सारे अनुयायी और एक नहीं हो सकते हो तो तुम्हारा धम्मिक होना या धम्म में रहना पूरा पूरा ढोंग है, पूरा झूठ बात है। आप बाबा साहब बुद्ध के अनुयायी नहीं हो, आप उनके कातिल हो, आप उनके टुकड़े टुकड़े करते हो, ये आपको कड़वी कड़वी बातें बोलनी पड़ेगी। ये मीठी बातों से काम चलने वाला नहीं है। 70 साल से मीठी बातें बोल बोल के और हम इनको पैसा दे दे के इज्जत दे दे के हमने अपने ही बच्चों का अपना नुकसान कर लिया सर, अपने देश का नुकसान कर लिया। अपना नंबर बताएं सर चावड़ा, आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं सर, मिस्टर चावड़ा सर। नहीं मैं कल भी जुड़ा था सर, मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर भी डाला है, अभी बोल दे एक बार सर। पूरे विश्व का समन संघ बनाने की बात कही है बाबा साहब, कहते हैं कि बुद्ध के विचारों से हम लोग विश्व का संघ निर्माण कर सकते हैं। तो हमारा जो समन संघ है उसी का प्रयास है। हम लोग अभी भले ही भारत के तौर पर देखते हैं लेकिन हमारे साथ विश्व के लोग जुड़े हैं, तो हमको इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बाबा साहब का सपना हमको पूरा करना पड़ेगा। तो ये समन संघ ही पूरा कर सकता है बाबा साहब का सपना, इसीलिए हमको यहाँ पर जोड़कर काम करना है। चावड़ा भाई नंबर आपो तो तुम्हारो 81-605-67-969 भाई, एक मिनट 85-605-67-969 चेट बॉक्स में जो लो।
चावड़ा सर बड़ोदरा की संगीत में टिकट करा लीजिए, जरूर आइए। कच्छमा कई जगह है? कच्छ भूज प्रॉपर सर, भूज भूज। हाँ सर, ओके। कट के सर, आपके गोल्डन रूल्स को मैंने सुना, उसी से मैं इम्प्रेस था। संघ के सुधीराज सिंह के वीडियो में बहुत देखता हूँ यूट्यूब पे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पर मेरे और हमारे जिले में कभी किसी ने भंते जी को देखा नहीं है, बुद्धिस्ट लोगों को घूमते है। ऐसे बहुत सारे तहसील जिले हमारे गुजरात में है सर, और बहुत सारे बहुत अच्छे एक्टिव बुद्ध विहार भी चला रहे हैं बहुत जिले। तो ये जो बहुत बड़ा जनरेशन गैप जैसे होता है, ऐसा गैप हो गया है, गरीब लोगों को बुद्धिज्म और बाबा साहेब अम्बेडकर टाइट सोसाइटी के बारे में पता ही नहीं है सर। तो उसके लिए दिन रात वही चिंता लेके सोते और जगते है पूरा दिन। हाँ जी सर, आप ये बड़ौदा में आइए गुजरात में 23 तारीख को, सितंबर को, हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे और तब तक बहुत सारे लोगों को जोड़िए आप सर। चावड़ा भाई हूँ, सवारे तुमने बात करी आ नंबर पर। हाँ, तुम्हारा नाम सर? गोविंद सोलंकी, जामनगर। हाँ सोलंकी सर। मुकेश चावड़ा सर, मुकेश चावड़ा सर। जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ मुकेश चावड़ा सर, आप जुड़िए, आज दूसरा दिन है और आप लगातार जुड़ते रहिए और यहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे, गुजरात से भी बहुत सारे लोग मिलेंगे और ये सब आपके समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आप जुड़िए और सुनिए, विशेषतः 9 बजे से 10 बजे के बीच की स्पीच है ये, सुनिए आज, आप समझिए और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और व्हाट्सएप पर आप मेरे संपर्क में हैं, आप बिल्कुल आप बने रहिए। और चावड़ा सर, आपके साथ हम सभी लोग हैं, चिंता लेकर के ना सोइए और ना जागिए, उस चिंता को छोड़ दीजिए, सभी लोग एक साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अब अकेले नहीं है सर, आप संघ में है, संघ तो सारा काम करता है, चिंता नहीं है यहाँ पे। संगम शरणम गच्छामि, सही है सर। कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू। नमामि, क्या करना रहा है संघ में। संजय भगत जी का में आए, अपनी पद प्रतिष्ठा अहंकार वो सब छोड़े और अपने प्रधानगी और अलग अलग संगठन बने हुए इकट्ठे होना है, यही तो हम कह रहे हैं। नहीं हो रहे तभी तो हम लगे हुए, तो ये संघ है तरीका, यहाँ आए जुड़े। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
साधु साधु साधु।